हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है फाइव दिव्य पुरुष जो कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। इमॉर्टल्स वेटिंग फॉर कल्कि अवतार, अमेजिंग वीडियो। तो बहुत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इसका मतलब है कुछ इमॉर्टल्स वेट कर रहे हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में कई चिरंजीवियों के बारे में बताया गया है जो कलयुग के अंत तक धरती पर ही वास करेंगे। इनमें से कुछ चिरंजीवी अपने ज्ञान और शक्तियों के कारण अमर हो चुके हैं, तो कुछ चिरंजीवी श्राप के कारण अमरत्व का कोप झेल रहे हैं। लेकिन आज हम आपको उन चिरंजीवियों के बारे में बताने वाले हैं जो कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। इन सब का विशेष कार्य है जिस कारण ये उस वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट्स में अपने आराध्य का नाम जरूर लिखें। मार्कंडेय। महर्षि मार्कंडेय को चिरंजीवी कहा जाता है और ये वरदान उन्हें स्वयं भगवान शिव से मिला था। महर्षि मार्कंडेय का जीवन 16 वर्ष का निश्चित था, लेकिन वो बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त थे। 16 वर्ष की आयु में जब यमराज उन्हें लेने आए, तब महर्षि मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। जब यमराज ने मौत का फंदा मार्कंडेय पर फेंका तो वो शिवलिंग को भी लपेट गया। इससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और वहां प्रकट हो गए। तब उन्होंने यमराज को युद्ध में हरा दिया। तब मार्कंडेय को भी महामृत्युंजय मंत्र मिला जिससे वो मृत्यु को भी हरा सकते हैं। धरती पर सिर्फ महर्षि मार्कंडेय हैं जो इस मंत्र को जानते हैं, और कल्कि अवतार के जन्म के बाद महर्षि मार्कंडेय भी कल्कि अवतार का साथ देंगे। उनका सबसे बड़ा महत्व उनके महामृत्युंजय मंत्र का होना ही है। अंत के इस महायुद्ध में वो इसी महामंत्र से युद्ध का परिणाम बदल डालेंगे। अश्वत्थामा। महाभारत का वो योद्धा जो आज भी जिंदा है। महाभारत में अपने पिता द्रोणाचार्य की मौत का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में रात के वक्त हमला कर दिया। युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए अश्वत्थामा ने बड़े बड़े अस्त्रों का इस्तेमाल किया। इसी के बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक जीवित रहने का श्राप दिया। आज भी भारत के कई हिस्सों में अश्वत्थामा के होने के प्रमाण मिल जाते हैं। कई लोग उनसे मिलने की बात तक कहते हैं। अश्वत्थामा शरीर पर ऐसे घाव से भरे हैं जिसका इलाज नहीं है। इसी कारण कल्कि अवतार के साथ युद्ध में भाग लेकर वो इस श्राप से मुक्ति पा पाएंगे। कृपाचार्य। कृपाचार्य को ब्रह्मा का चौथा अवतार कहा जाता है। कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। भीष्म पितामह ने स्वयं महाभारत में कहा था कि कृपाचार्य 60,000 योद्धाओं से युद्ध कर सकते थे। वो हर युद्ध कला में परिपूर्ण थे। वो 8वें मानव अवतार में सप्तऋषियों में से एक होंगे। उन्हें चिरंजीवी कहा जाता है जो महाभारत के युद्ध के बाद ध्यान मुद्रा में चले गए। वो कल्कि अवतार के जन्म के समय ध्यान से उठेंगे, क्योंकि तभी वो देह त्याग कर पाएंगे। उनकी देह त्याग का कारण बहुत ही बड़ा होगा। परशुराम। भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जो त्रेता युग से धरती पर मौजूद हैं, उन्हें 7 चिरंजीवियों में गिना जाता है। उन्होंने ही त्रेता युग में अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने वाले क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। वो हर युद्ध कला में परिपूर्ण थे, जिनका मुख्य हथियार एक कुल्हाड़ी थी। महाभारत काल में वो भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु बने थे। वो भी अपना अंतिम कार्य करने का इंतजार कर रहे हैं।
भविष्य पुराण के अनुसार परशुराम कल्कि अवतार के गुरु होंगे, जो अंत के उस भयानक युद्ध में कल्कि अवतार का साथ देंगे। लेकिन अगर हम उनका असली मकसद समझें तो कल्कि अवतार एक महान शक्ति के खिलाफ युद्ध करेंगे, जिस कारण परशुराम भी कल्कि अवतार में समा जाएंगे। इस तरह वो अंत कर पाएंगे बुराई के साथ साथ इस महायुग का। हनुमान जी रामायण काल के वो चिरंजीवी जिन्हें सबसे शक्तिशाली योद्धा कहा जाता है। रामायण में भी उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल ही नहीं किया, महाभारत काल में भी उनका कई बार जिक्र मिलता है। आखिरी बार वो महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ का ध्वज बने हुए बताए जाते हैं। इसके बाद वो सिर्फ देखे जाने की अफवाहों में मिलते हैं, उनका असली जिक्र कहीं नहीं मिलता। भविष्य पुराण में उनका जिक्र अलग से मिलता है। वो कल्कि अवतार के गुरु भी बनेंगे और उनका साथ भी देंगे। वो भगवान शिव का रुद्र अवतार हैं और उनकी शक्ति अंत के महायुद्ध में खुलकर बाहर आएगी। उनकी प्रचंड शक्ति से तीनों लोक हिल जाएंगे। तो काफी अच्छा वीडियो था, काफी डिफरेंट तरीके का वीडियो था। हमने काफी समय से इस टाइप के वीडियोस नहीं किए हैं और ये सारी बात जो है आपके फेथ पे डिपेंड करती है और आपके बिलीव्स पे डिपेंड करती है। अब जैसे कह रहे हैं कुछ इमॉर्टल्स जो अभी तक नहीं मरे हैं, जो इसी धरती पर हैं, वो वेट कर रहे हैं कल्कि अवतार की। ठीक है, अब ये इसमें और ये जो बोल रहे हैं कलयुग के अंत में शायद कि कल्कि अवतार आएंगे। अब इसमें ये है कि मुझे नहीं पता था कि हनुमान जी अभी भी कहीं ना कहीं हैं और परशुराम जी अभी भी हैं। तो जितने भी इन्होंने इमॉर्टल्स की बात की है, अगर वो हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर यही है कि ये थ्योरी है। आपको ये विश्वास है तो मानिए, नहीं विश्वास तो मत मानिए। परंतु जो भी इंसान साइंस का है उसको तो थोड़ा कुछ प्रूफ चाहिए होगा किसी तरीके का, कि अगर आप बोलते हैं कि हाँ भाई इस जगह पर हो सकता है कोई इमॉर्टल इंसान है, क्योंकि हमने इस तरीके की चीज़ कहीं मिली गई है हमें, राइट। आपको कहीं कहीं रिसर्च की हो कि इस टाइप की कोई चीज़ मिली है जिससे लगता है कि कोई बहुत समय से इंसान रह रहा है, यहाँ पे हमें कुछ और मिला है, यहाँ पे हम किसी इंसान ने ऐसा कर दिया। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कुछ रह जाना चाहिए जिसे साधारण ह्यूमन बीइंग्स को वो देखने को मिले, और साधारण ह्यूमन बीइंग्स जैसे हम लोग हैं, हम कह सकें वाकई ही कुछ है ऐसा कि कोई इमॉर्टल जो कभी मर नहीं सकता इंसान हमारे बीचों बीच है, राइट। तो अब यही है कि ये अच्छा वीडियो था इसलिए क्योंकि ये एक्सपैंड करता है आपकी क्रिएटिविटी की। हो सकता है ऐसा हो सकता है ना हो। जहाँ तक हम पता है हमने कोई ऐसा सबूत तो नहीं देखे हैं, परंतु अगर ये हमारी बुक्स कह रही हैं तो पॉसिबल भी हो सकता है। और मेरा तो यही होप होगा कि आई होप कि ये सही हो और इनमें से मगर अब ये भी कहा जाता है कि कल्कि अवतार आने को काफ़ी समय बाकी है, तब तक ऑब्वियसली मैं तो नहीं होऊंगा और काफ़ी सारे लोग जो हैं जो इस समय के हैं वो नहीं होंगे। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है पता करना कि उस समय क्या होगा। स्पेशली जो है हर एक रिलीजन की अपनी एक थ्योरी है, हर एक रिलीजन जो है अपने हिसाब से बताता है कि मृत्यु के बाद इंसान का क्या होगा। पर ये बात है कि सभी रिलीजन्स में कुछ कॉमनैलिटी है, आप माने ना माने। अगर आप स्टडी करें रिलीजन्स को, जो क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, ऑफ कोर्स हिंदुज़म है, बुद्धिज़्म है, और दूसरे भी रिलीजन ज़ोरास्ट्रियनिज्म है जो पारसीज फॉलो करते हैं, और भी कई कन्फ्यूशियज़म है चाइनीज़ के, तो काफ़ी सारे ऐसे रिलीजन्स हैं अगर आप उनको स्टडी करें। और मैंने उनके बारे में पढ़ा है, इन सब रिलीजन्स के बारे में जो मैंने अभी जिनके नाम लिया है, और उनमें कॉमन थ्रेड तो है कि सच्चा इंसान जो है हमेशा जीतता है। अच्छे कर्म करिए
और ज़्यादा अट्रैक्ट मत होइए, अपने सेंसेस को ज़्यादा बढ़ावा मत दीजिए, अपने माइंड से कंट्रोल करिए अपने सेंसेस को। सो सभी रिलीजन्स एक बात जो है कंसिस्टेंटली, मतलब एक बात जो है हमेशा से कहते आ रहे हैं, और वो बातें जो है हर एक रिलीजन में कॉमन है, और वो है कि आपका अच्छे रहिए, कंट्रोल करिए, सेल्फलेस रहिए। अगर आप बोलेंगे अच्छा जी, जो सेल्फलेस का जो फंक्शन है कि आप निष्काम कर्म वाला जो है, ये क्या दूसरे रिलीजन्स में भी है? आप क्रिश्चियनिटी में पढ़िए तो आपको बाइबल में भी नज़र आएगा। अगर आप बाइबल की समरी पढ़िए, कहीं कितनी सारी वेबसाइट्स हैं जो समराइज करती हैं कि बाइबल की सेइंग क्या है, तो वो लोग भी यही कहते हैं कि आप जो हैं काम करिए और फल की चिंता मत करिए। वो भी यही कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल। एग्जैक्टली उनका भी ऐसा ही है कॉन्सेप्ट कि आप अच्छे काम करिए, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो वो करिए अच्छाई के लिए, उसका रिटर्न मत देखिए। तो बहुत सारे रिलीजन्स उसी बात को कहते हैं। तो पॉइंट ये है कि ह्यूमन बीइंग के लिए वही चीज़ें सही हैं, और उन्हीं सभी रिलीजन्स में जो अच्छाई है उसको फॉलो करना चाहिए। और मैं कहूँगा कि हिंदुइज़्म में बहुत ही पहले से मेडिटेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, मेडिटेशन का। तो जो मेडिटेट करते हैं वो आप बताइए कि मेडिटेशन में आपको क्या दिखता है, और डेफिनेटली अगर मेडिटेशन में स्ट्रेंथ है तो हमें मेडिटेट करना चाहिए और कांटेक्ट करना चाहिए ऐसे इमॉर्टल बीइंग से, जिससे आपको पता चल सके कि इमॉर्टल बीइंग्स अभी भी हमारे बीच में हैं। तो काफ़ी डिफरेंट काइंड का वीडियो था, इनके ग्राफिक्स बहुत अच्छे थे, मतलब इन्होंने ग्राफिक्स डिफरेंट डिफरेंट जगहों से लिए हैं, जहाँ से भी लिए हैं मुझे पता है, कुछ सोर्सेज, कुछ तो मूवीज़ थी स्टार वॉर्स की और भी थी, मगर देवर हेल्प कर रहे थे अपनी बात कहने में। तो काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स थे और काफ़ी अच्छा लगा इतने अच्छे ग्राफिक्स को देख के, तो जहाँ से भी आए हो ग्राफिक्स अच्छे थे। और अब इन्होंने जो अपनी आइडिया पोर्ट्रे किया है, अपना आइडिया जो बताने की कोशिश की है, उसमें डेफिनेटली उन ग्राफिक्स ने बड़ी हेल्प की है। तो वेरी नाइस वीडियो, और चलते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।